हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके? अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज़ मेड फॉर यू। क्योंकि मैं कुछ और, बिल्कुल एंटायरली कुछ और टॉपिक पर वीडियो बनाने आई थी। ऐसे ही मैंने सोचा कि एक बार पहले अपने रजिस्टर्स देख लो, कुछ पुराने मैंने कुछ लिखा हुआ। मैं बहुत चीज़ें लिखती थी और मुझे ऐसे ही कुछ दिखा रैंडमली। मैंने 13 अक्टूबर 8:27 PM पे कुछ चीज़ें लिखी थी। बिफोर आई टेल यू दैट, मुझे पता है कि इस समय आप कुछ चीज़ों की टेंशन ले रहे हो। आप जिस भी चीज़ों की टेंशन ले रहे हो, जो भी चीज़ों की वजह से आप परेशान हो, जो भी आपके रुके हुए कामों के लिए आप सोच रहे होंगे या नहीं होंगे, या जो भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके डर हैं, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। पर बट बिफोर दैट, लेट मी रीड मैंने क्या क्या लिखा है। मैंने लिखा है 13 अक्टूबर 2022 को 8:27 PM पे, मुझे कुछ दिन से बहुत घबराहट हो रही है। लिंक्डइन और यूट्यूब ट्रैक करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं बार बार ट्रैक कर रही थी, मेरे लाइक्स नहीं बढ़ रहे थे, मे भी मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे। आई वॉज ट्रैकिंग इट कॉन्टिन्यूसली। मेरे सर में भारी भारी हो रहा है, मेरी आंखों में भारी भारी हो रहा है। दैट टाइम आई वॉज टॉकिंग टू समबडी और मैंने लिखा कि उस इंसान का नाम, कि वो मुझे मैसेज नहीं कर रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा है, और सारे लोग अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। सबके बिजनेस सेटअप हो गए हैं और यूट्यूब पर मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मैं क्यों काम से भाग रही हूँ। सो आई रोट ऑल दीज थिंग्स। अभी मैं ये सब पढ़ रही थी विद अ स्माइल ऑन माई फेस, पर उस समय आप समझ पा रहे हो, जब मैंने लिखा होगा तो मैं कितनी भरी बैठी होंगी कि मुझे ये सब पेन डाउन करना पड़ा। इस सब से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो नेहा जो 13 अक्टूबर 2022 में एकदम परेशान बैठी सब लिख रही थी, उसको कोई क्लू नहीं था कि ऑलमोस्ट अक्टूबर आ गया है 2024 का, कि 2 साल बाद उसकी लाइफ क्या होगी। तो जब हम उस समय उस प्रॉब्लम में होते हैं, हमें वो बहुत बड़ी लग रही होती है। मतलब वो इंसान मुझे मैसेज नहीं कर रहा, मैं इतनी टेंशन में होंगी, सोचो मैंने लिख दिया कि मेरे मन में इतना भरा पड़ा है कि मैंने वेंट आउट करने के लिए लिखा उसको। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट इवन नो वेयर दैट पर्सन इज, व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग। आई एम एंटायरली इन अ डिफरेंट लाइफ के जोन में, लाइफ के फेज में बिल्कुल अलग में। मुझे पता ही नहीं है वो लोग अभी हैं कहाँ, जिनके लिए मैं कभी इतना परेशान हो रही थी। और वो चीज़ें जब मैं लिख रही थी कि यूट्यूब पे मैं ग्रो नहीं कर रही हूँ, लिंक्डइन पे मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, इंस्टाग्राम तो ज़्यादा उस टाइम एक्टिव मेरा था ही नहीं, और उस नेहा को पता नहीं था कि बेटा तेरे 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तू क्या बेटी टेंशन ले रही है। पर जब हम उस मोमेंट में होते हैं, हमें लगता है ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उस समय हम पूरे जूम इन करके उसके अंदर घुसे होते हैं। सो लेसन फॉर यू हेयर इज, एंड अ रिमाइंडर फॉर यू हेयर इज, आप जहाँ पे भी होना लाइफ में, यू विल कम आउट ऑफ दैट ब्यूटिफुली इफ यू हैव जस्ट वन थिंग विद इन यू। बहुत सारी हैं, पर अगर वन मैं प्राइमरली बोलूँ, दैट इज़ योर फेथ एंड ऑप्टिमिज्म। फेथ एंड ऑप्टिमिज्म एक चीज़ मान लो उसको, या दो चीज़ मान लो, तो आपका फेथ और ऑप्टिमिज्म कि आई विल कम आउट उफ दिस ब्यूटिफुली। उस समय मेरे पास, जब मैं सब में स्टक भी थी, चलो यहाँ तक तो मैं सीए बन गई थी, पर जब मैं नहीं भी बनी थी तो एक चीज़ थी मेरे पास, ये सेम रजिस्टर है जहाँ पर मैं कॉस्टिंग पढ़ा करती थी अपने एग्जाम से पहले, मैं इसमें सारे प्रैक्टिस किया करती थी कॉस्टिंग की। तो मैंने इसमें कुछ चीज़ लिखी थी, लेट मी रीड दैट। मैंने इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, इतना सारा मैंने इसमें लिखा हुआ है। आई एम फाइंडिंग कॉस्टिंग वेरी इजी, क्योंकि कॉस्टिंग वॉज अ सेम सब्जेक्ट जिसमें मैं पिछले अटेम्प्ट में फेल हो गई थी, तो मैंने लिखा कॉस्टिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ने मेरा पूरा पूरा ग्रुप टू ही बचा लिया एग्रीगेट से। कॉस्टिंग इज सो ईजी, आई कम्प्लीटेड रिविजन वेरी फास्ट एंड आई एम फीलिंग गुड अबाउट द सब्जेक्ट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द बेस्ट, और मुझे बहुत अच्छा लग, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। आई लव कॉस्टिंग, मुझे कॉस्टिंग के सब्जेक्ट तुरंत समझ आ जाते हैं। मैंने इतना सारा ही अपने पूरे दुनिया जहान के एफर्मेशंस बना के लिख दिए। उस समय मेरे पास कुछ नहीं था फेथ के अलावा, और एक एक चीज़ मैं और मानती थी कि आई एम गॉड्स चाइल्ड। ठीक है, हम देखते हैं ना कि हम कोई बच्चा शरारत करते हैं, कहते हैं इसकी मम्मी भी ऐसी है, अपने मम्मी पापा पे गया है। तो जब हम कहते हैं अपने मम्मी पापा पे गया, तो जब व्हेन आई एम सेइंग आई एम गॉड्स चाइल्ड, सो आई मस्ट बी लाइक गॉड, इजंट इट? थोड़े बहुत गुण तो मुझ में भी आएंगे, तो फिर मैं क्यों समझूं कि मैं वीक हूँ या मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। भाई, अगर मैं खुद को क्लेम कर रही हूँ कि आई एम गॉड्स चाइल्ड, तो भगवान मेरे साथ तो अच्छा ही करेंगे ना, अपने बच्चे के साथ कोई ख़राब थोड़ी करता है। तो मैं तब भी यही लिखती थी कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बस एक विश्वास था मेरे पास, सिर्फ एक लाइन, एक अजम्पशन थी। और फिर अब इस पे कोई और वो गले की भगवान होते हैं नहीं होते, मैं इस सब बहसबाजी में नहीं पड़ती। मैंने अपना एक बिलीफ चुना, और मुझे पता है कि जो हम बिलीफ बनाते हैं, हम क्या हैं, हम अपने बिलीफ का एक पुतला है। आज मैं जो भी हूँ अपने बिलीफ की वजह से हूँ। कोई बिलीफ बनाए कि यार आई एम स्टूपिड, मेरे से कुछ नहीं हो पाता, तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जिस तरह के शब्द बोलते हैं उस तरह का आपका बिहेवियर बनता जाता है, आपके दिमाग में वैसी वायरिंग हो जाती है, आपके एक्शंस वैसे ही होते हैं फिर। तो मैंने तो मस्त बिलीफ बनाया कि आई एम गॉड्स चाइल्ड, तो भाई साहब मैं हूँ भगवान की बच्ची, अब भगवान करेंगे जो मेरे लिए अच्छा करेंगे। तो व्हेन आई फील, और मैंने ये सब क्यों करना शुरू करा, मे बी फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग इट, क्योंकि
मैंने ये नहीं समझा भगवान है या नहीं है, मैंने एक चीज़ मुझे एक चीज़ पता थी कि मैं हूँ बहुत ही एंग्शियस बच्ची, मुझे बहुत ही डर लगता था, मैं बहुत ही घबराती थी और मैं ऐसी भी नहीं थी कि खुल के सबके सामने बात कर लूँ। तो मुझे कोई चाहिए था कि जो मेरी बात सुन ले, मेरी चुगली इधर उधर ना करे और जिसको मैं के सामने मैं अपना पूरा मन का हाल कह दूँ, और अगर आप मेरे सर पर कुछ काम छोड़ दोगे तो मुझे टेंशन होगी। तो मैंने सोचा कि ये सही है, ये एक मेरे घर पे एक मंदिर मूर्ति है, भगवान है ये, इनके सामने जाके सारी बात कह दो और इनके सर पे डाल दो कि मैंने मेरे साथ जो भी होगा ना अब आप देख लेना क्या होगा। और मैं कह ही रही हूँ ऑलरेडी आई एम गॉड चाइल्ड, तो जब भगवान की बच्ची तो अच्छा ही करेंगे। इस फेथ ऑप्टिमिज्म और इस बिलीफ सिस्टम ने मुझे हमेशा केटर करा, क्योंकि मेरे को बैक ऑफ द माइंड में वो सरेंडर की फीलिंग आती गई धीरे 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 धीरे, कि मैं भगवान को देखती थी, मुझे लगता आपकी बच्ची हो ना, देखो मेरे साथ अच्छा कर देना, मेरे को संभाल लेना कि मैं सब बढ़िया कर लूँ। एंड इट एंडेड अप बीइंग ब्यूटिफुली। तो चूज योर बिलीव्स वाइजली। दूसरी चीज, जो आपके डर हैं, फियर हैं, जो भी हैं, उसे लिख लो एक पेपर पे, वेंट इट आउट फ्रॉम योर सिस्टम। नाउ यू विल हैव अ क्वेरी, अगर आपने बिलीफ और डर और ये सब चीज़ें उल्टी सीधी लिख देंगे तो मैनिफेस्ट नहीं हो जाएंगी। हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट वो होता है जो हम ज़्यादातर टाइम सोचते रहते हैं, जो हमारा 51% ऑफ द टाइम वॉट यू आर थिंकिंग दैट्स गोइंग टू मैनिफेस्ट फॉर श्योर। सो आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन योर फियर्स एंड वेंट इट आउट फ्रॉम योर सिस्टम, कि अब आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। जब एक बार आप लिख देते हो, निकाल देते हो, आपको पता है कि ओके मैं ये सोच रही हूँ, अब उसके ऑपोजिट एफर्मेशंस बना के पूरा दिन उसको बोलो ना। वरना अपने डर को निकालोगे नहीं तो आप सप्रेस कर रहे हो, वो आपके अंदर ही रहेंगे और फिर आप वही चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू वेंट आउट ऑल दोज ट्रैश फ्रॉम योर सिस्टम, लिख दो, निकाल दो, और ये हेल्प भी कर दो ना। आज मैं देख रही हूँ 2 साल बाद कि क्या बच्ची तुम परेशान हो रही थी। सो इसलिए व्हेन आई से मेक पेन पेपर योर बेस्ट फ्रेंड, प्लीज डू दैट। यू आर गोइंग टू थैंक योर सेल्फ लेटर, 1 ईयर लेटर, 2 ईयर्स लेटर, जो आपको लाइफ में चीज़ें मिल जाएंगी, आपको लगे अरे वाह यार पेन पेपर तो बेस्ट था और भगवान की बच्ची हूँ ऐसा सोचना तो और भी बहुत बढ़िया चीज़ थी। सो चूज़ वॉट यू थिंक, चूज़ वॉट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू, एंड ट्रस्ट मी, जो भी चीज़ों के लिए टेंशन ले रहे हो ना तुम, सब सॉल्व हो जाएगा। आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद हंसोगे उन चीज़ों पे जिन पे आप टेंशन ले रहे हो, जब पता चलेगा कि भाई मैं तो बहुत कहीं ज़्यादा गुना पावरफुल थी उन चीज़ों से जिनसे मैं डर रही थी, और जिन लोगों के पीछे मैं भाग रही थी, जो मुझे भाव नहीं दे रहे थे, आज मैं उनसे भी कहीं ज़्यादा ऊपर हो गई हूँ। बस खुद पे भरोसा करके, भगवान पे भरोसा करके अपना काम करते जाओ। इतना ज़्यादा मत डरो, किसी के लिए रोने वोने की ज़रूरत नहीं है, चिल आउट रहो लाइफ में। ओके, ऑन दैट नोट, दिस इज रियली हदीता साइनिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज मुझे बताइएगा, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा, और अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा और हमेशा बड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पे रखिएगा। ओके, बाय।